ओम शांति। आज की तारीख है 9/10/21 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनो। इसमें कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ बाप को याद करो और पवित्र बनो। प्रश्न है, गरीब निवास बाप अपने बच्चों का भाग्य बनाने के लिए कौन सी राय देते हैं? हमेश बाबा कहते हैं कि तुम दाता के बच्चे हो, तुम हर एक को जो भी तुम्हारे पास है वो उनको दो, यानी अब दाता बनो। तो उत्तर है, मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे शिव बाबा को तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। तुम भले खाओ पियो पढ़ो रिफ्रेश होकर चले जाओ, लेकिन चावल मुट्ठी का भी गायन है। 21 जन्मों के लिए शाहूकार बनना है तो गरीब का एक पैसा भी साहूकार के 100 रुपए के बराबर है। इसीलिए बाप जब डायरेक्ट आते हैं तो अपना सब कुछ सफल कर लो। तो इशारे में बाबा ने हमें बता दिया कि हमें क्या करना है। तो जैसे माँ लक्ष्मी धन देती है, ऐसे हम संगम युगी ब्राह्मणों के पास कौन सा धन है? ज्ञान धन है, गुण धन है, शक्ति का धन है। तो बाबा कहते हैं वो धन दो सभी को, और बाबा के यज्ञ में मुट्ठी चावल का गायन है तो मुट्ठी चावल देकर और क्या करो, 21 जन्मों के लिए अपना भाग्य बना लें। गीत बजा है, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 ज्ञान बिंदु। नंबर 1, मौत सामने खड़ा है, इसलिए अब याद की रफ्तार को बढ़ाना है। सतयुगी दुनिया में ऊंच पद पाने का पूरा पुरुषार्थ करना है। नंबर 2, अपना और दूसरों का कल्याण कर आशीर्वाद लेनी है। अगर हम किसी को सुख देंगे, सहयोग देंगे, किसी को उनके दुखों में मदद करेंगे तो उस आत्मा की दिल से आशीर्वाद निकलती है। तो बाबा कहते हैं हमें ऐसे दूसरों का कल्याण कर आशीर्वाद लेनी है। पवित्र दुनिया में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। वरदान सतगुरु बाबा का, नए जीवन की स्मृति से कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले मर जीवा भव। बाबा कहते हैं कि जो बच्चे पूरा मर्जीवा बन गए उन्हें कर्मेंद्रियों की आकर्षण हो नहीं सकती। मर्जीवा बने अर्थात सब तरफ से मर चुके, पुरानी आयु समाप्त हुई। जब नया जन्म हुआ तो नए जन्म नए जीवन में कर्मेंद्रियों के वश हो कैसे सकते? ब्रह्मा कुमार कुमारी के नए जीवन में कर्मेंद्रियों के वश होना क्या चीज होती है, इस नॉलेज से भी परे। शुद्रपन का जरा भी सांस अथवा संस्कार वहाँ अटका हुआ न हो। स्लोगन है, अमृत वेले दिल में परमात्मा स्नेह को समालो,
तो और कोई का स्नेह आकर्षित नहीं कर सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।